जितने भी छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए तो रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं। तो आपके मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2023 के रिजल्ट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से। उस अपडेट को समझेंगे, उसके साथ साथ बात करेंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन से इजिली अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटर के रिजल्ट के इंतजार की घड़ी जल्द ही समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि इंटर का टॉपर वेरिफिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से वर्तमान में जारी है। लेकिन छात्र छात्राओं का नाम है टॉपर लिस्ट में, उनका टॉपर वेरिफिकेशन करने के लिए पटना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कार्यालय में बुलाया जा चुका है। और ऐसा बिहार बोर्ड के सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पूरी कोशिश कर रहा है कि आज शाम तक टॉपर वेरिफिकेशन का कार्य समाप्त कर लिया जाए। अगर आज शाम तक टॉपर वेरिफिकेशन का कार्य समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद आज शाम में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। अगर समय पर कार्य समाप्त हो गया टॉपर वेरिफिकेशन का, तो यह बहुत बड़ी खबर है कि इंटर के छात्रों के रिजल्ट का इंतजार आज शाम में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से खबर निकल कर आ रहा है कि आज शाम में बिहार बोर्ड चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या वो अपने ऑफिशियल ट्विटर या इंस्टाग्राम के माध्यम से ये जानकारी देगा कि कल शाम तक आपका रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति खुद सभी काम जल्दी जल्दी कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं बिहार बोर्ड को पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ना था। लेकिन पिछले साल इंटर का रिजल्ट 16 मार्च को ही शाम में जारी कर दिया गया था, लेकिन इस साल आज 17 मार्च हो गया लेकिन अभी तक बिहार बोर्ड रिजल्ट जारी नहीं किया है। इसलिए बिहार बोर्ड काफी जोर शोर से युद्ध स्तर पर रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है। तो इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं बचा है, आपका रिजल्ट बस तैयार हो चुका है, टॉपर वेरिफिकेशन चल रहा है। ऐसा बिहार बोर्ड सुनिश्चित करना चाहता है कि आज शाम तक टॉपर वेरिफिकेशन समाप्त हो जाए, तो आज शाम में बिहार बोर्ड आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या ट्विटर या इंस्टाग्राम के माध्यम से यह ऑफिशियल अपडेट जारी कर देगा कि कल आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा 18 मार्च के शाम में। हर एक बड़े मीडिया रिपोर्ट में यही खबर है कि आज शाम में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कुछ बड़ा अनाउंसमेंट कर सकता है। कब? जब अगर आप आज शाम तक टॉपर वेरिफिकेशन समाप्त कर लिया जाएगा तब। मान लीजिए कुछ टॉपर का वेरिफिकेशन नहीं होता है तो कल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति रिजल्ट को लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट जारी करेगा। लेकिन हर मीडिया रिपोर्ट में यही खबर है कि आज शाम में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने ट्विटर अकाउंट या इंस्टाग्राम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देगा कि कल आपका रिजल्ट आने जा रहा है। तो इंटर के छात्रों के लिए लेटेस्ट अपडेट यही है कि टॉपर वेरिफिकेशन आज शाम में समाप्त कर लिया जाएगा। वहीं मैट्रिक के छात्र छात्राओं की बात करें तो मैट्रिक के छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खबर है कि टॉपर के कॉपी का पुनर्मूल्यांकन जारी है। अर्थात कि आपके जानते हैं कि पहली बार आपके सभी छात्र छात्राओं का कॉपी चेक होता है, उसमें से टॉप 100 जो छात्र छात्राएं होते हैं उनके कॉपी का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। तो मैट्रिक के छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि आपके टॉपर के कॉपी का पुनः मूल्यांकन जारी है, अर्थात कि वर्तमान में चल रहा है। इसके बाद जैसे ही इंटर का रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा तो उसके बाद आपके मैट्रिक के भी टॉपर का इंटरव्यू शुरू होगा। और इंटर में तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 16 मार्च का पिछले साल का रिकॉर्ड अपना नहीं तोड़ पाया, लेकिन मैट्रिक में बिहार बोर्ड पूरा सुनिश्चित तैयारी कर चुका है कि 31 मार्च के दिन मैट्रिक का पिछले साल रिजल्ट जारी किया गया था, लेकिन उससे पहले इस साल आपके 25 मार्च से पहले पहले किसी भी हाल में मैट्रिक का रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। चलिए सीख लेते हैं कि चूंकि इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट जल्द ही आपसे 1 से 2 दिन में प्रकाशित होने जा रहा है, तो कैसे आप अपने मोबाइल फोन से इजिली अपना रिजल्ट सबसे पहले चेक कर पाएंगे। बस कुछ स्टेप को फॉलो करके जैसे ही रिजल्ट का प्रकाशन होगा, चाहे आप मैट्रिक के छात्र हैं इंटर का, अपना रिजल्ट देख पाएंगे। इसके लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आपको आना है, चैनल का नाम देख लीजिए जो AR कैरियर पॉइंट ऐसे लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने, स्पेलिंग बस जो लिखा हुआ है वैसे सही सही टाइप कीजिएगा और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने देखिए कुछ इस तरह सर्च रिजल्ट आ जाएगा, और यहां पे आपको नीचे की तरफ बढ़ना है तो सबसे ऊपर शो होगा arcareerpoint.com वेबसाइट। तो आप arcareerpoint.com वेबसाइट पे भी जाकर रिजल्ट वाले सेक्शन में क्लिक करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। या इससे भी आसान तरीका से आपको अपना रिजल्ट देखना है तो यहां पे नीचे की तरफ बढ़ जाइएगा तो यहां पे मिल जाएगा arcareerpoint.in वेबसाइट, यहां पे देख लीजिए। सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है, अर्थात कि arcareerpoint.com या .in वेबसाइट दोनों पे जाकर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे ही मैंने आपके सामने arcareerpoint.in वेबसाइट पे क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस तरह वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल दो ही लिंक है आपके लिए, एक तो मैट्रिक के छात्रों के लिए और एक इंटर के छात्रों के लिए। अगर आप मैट्रिक का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2023, यहां से देखे अपना रिजल्ट, इस पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगर इंटरमीडिएट के आप छात्र हैं तो यहाँ पे बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2023 जारी, यहां से देखे अपना रिजल्ट, इस पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए मैट्रिक का भी लिंक है और इंटर का लिंक है, तो यहां से आकर आप सबसे पहले अपना रिजल्ट देख पाएंगे।
यहाँ पे देखिए जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे इंटर रिजल्ट को लेकर एक एक जानकारी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पूरा प्रक्रिया बताया गया कि कैसे आप रिजल्ट देखेंगे। यहाँ पे डेट वगैरह अपडेट किया गया है, देख लीजिए, यहाँ पे आकर पढ़ लीजिएगा सभी जानकारी। यहीं पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपको रिजल्ट देखने में कोई भी दिक्कत होता है तो अपना संकाय की आर्ट्स साइंस कॉमर्स की संकाय से रोल कोड रोल नंबर आप कमेंट कर देंगे तो जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आपका रिजल्ट चेक करके कमेंट बॉक्स में यहाँ पे वेबसाइट पर आपको बता दिया जाएगा। यहीं पर नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो इंटर रिजल्ट 2023 के लिए यहाँ पे लिंक दिया गया है। यहां पे नीचे की तरफ थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सीधे मार्कशीट अपना आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पे लिंक है, तो किसी भी लिंक से क्लिक करके आप सबसे पहले अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं आप समझे होंगे कि arcareerpoint.in वेबसाइट पे आपको आना है सबसे पहले रिजल्ट चेक करने के लिए। और यहां पे देखिए मैट्रिक का भी लिंक है, यहां पे इंटर का भी, तो यहां पे आप डेट वगैरह सभी चीज अपडेट है, सभी चीज कैसे रिजल्ट देखना है पूरा प्रक्रिया समझाया गया, तो यहां से आकर समझ लीजिएगा। और जैसे ही रिजल्ट आएगा तो यहां से आकर अपना सबसे पहले आप रिजल्ट चेक कर पाएंगे। इस पूरे वीडियो की सारांश हम लोग टू द पॉइंट समझने का प्रयास करें तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटर के रिजल्ट की तैयारी कर चुका है, बस कुछ देर और इंतजार है। उसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति टॉपर वेरिफिकेशन समाप्त करके प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्विटर के माध्यम से ऑफिशियल जो उसका ट्विटर हैंडल है या इंस्टाग्राम के माध्यम से ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रहा है कि आज शाम में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऑफिशियल अपडेट जारी कर देगा जिसमें बताया जाएगा कि कल आपके सामने रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा। और मैट्रिक के रिजल्ट की तैयारी भी अंतिम चरण में चल रहा है, टॉपर के कॉपी का पुनर्मूल्यांकन जारी है। आपको मैट्रिक या इंटर किसी भी बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट सबसे पहले चेक करना है तो आपको क्या करना है कि arcareerpoint सर्च करना है .com या .in वाले वेबसाइट पे आपको जाना है। और जैसे मैंने .in पे बता दिया वहां से भी आप चेक कर सकते हैं arcareerpoint.com वेबसाइट के रिजल्ट वाले सेक्शन पे, यहां पे बिहार बोर्ड क्लास 12 रिजल्ट 2023 डायरेक्ट लिंक, इस पे भी क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं अभी के इस वीडियो के माध्यम से आप समझे कि अपना रिजल्ट आप कैसे देखेंगे, आपका रिजल्ट कब तक आएगा। ऐसे आज शाम में जैसे ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कोई भी अपडेट जारी करेगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए यहां से आकर सभी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।